नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर असदुद्दीन अवैसी, जो AIMIM के प्रमुख हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कुछ पुराना बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो कानपुर का है, जब वो वहां जनसभा करने आए थे। क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में ओवैसी ने सीधे सीधे यूपी पुलिस को धमकी दी है कि हम तुम्हें देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? तो ओवैसी कहते हैं कि भैया, योगी जी और मोदी जी हमेशा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब योगी जी अपने मठ में चले जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, या तो पहाड़ पे चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। खूब तालियां भी बजवाई ओवैसी ने। तो इस तरह की धमकी देकर ओवैसी क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम उस पर कुछ कहें? इसके पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। और लोगों के मुताबिक ये वीडियो संभवतः 12 दिसंबर का है, जब कानपुर ओवैसी आए थे। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम बताते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे यार। तो देखा दोस्तों आपने, किस तरह से असदुद्दीन अवैसी जो है वो यूपी पुलिस को धमका दे रहे हैं, मोदी और योगी के ऊपर भी सीधा हमला कर रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? मायने बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनका ये मतलब नहीं था। अमूमन ऐसा ही होता है, जब कोई नेता विवादित बयान दे देता है, उसके बाद अगर जो बयान है वो चर्चा में आ गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो फिर वो कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमारी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वही बात ओवैसी ने भी दोहराई है अपने ट्वीट के जरिए। और उन्होंने कहा कि इस बयान को फैलाकर मेरा जो हरिद्वार की रैली थी या उत्तर प्रदेश में जो दूसरी रैलियां हैं, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो जो पुलिसिया जुल्म हुए है हाल फिलहाल कानपुर में, उसकी बात कर रहा था। लेकिन बात तो की और खुलेआम धमकी दी, मंच से धमकी दी, हजारों की भीड़ इकट्ठी थी वहां पर। तो इसके मायने क्या हैं और ओवैसी का मकसद क्या है? तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसको ओवैसी मजहबी रंग देना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि अगर ये सियासी ये चुनाव जो है, अगर मजहब की पिच पर खेला जाएगा तो उन्हें फायदा हो जाएगा, जैसे कि उन्हें फायदा बिहार में हुआ था और वहां पर उन्होंने राजद के वोट बैंक में डेंट करके और 5 सीटें हासिल कर ली थी, वो उन सीटों का जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे और मुस्लिम बहुल हैं। तो ओवैसी का मकसद कहीं ना कहीं यही है कि उत्तर प्रदेश में भी उस कहानी को दोहराया जाए और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में डेंट किया जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी की रणनीति यही है कि इस चुनाव को जो है वो कलर दे दिया जाए, धर्म का कलर दे दिया जाए, मजहबी कलर दे दिया जाए, जिससे उनको फायदा हो सके। और अगर ऐसा होता है, ऐसा करने में वो कामयाब, अपनी कोशिश में अगर वो कामयाब होते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को भी कहीं ना कहीं से फायदा होगा, क्योंकि आज ही उनके बड़े एक MP हैं और बड़े प्रमुख वक्ता हैं, साक्षी महाराज, उन्नाव से MP रह चुके हैं, उनका एक बयान आया है औरैया में। उन्होंने कहा है कि ओवैसी तो गधा है,
अब लीजिए साहब, इधर से वो कुछ कह रहे हैं, उधर से वो कुछ कह रहे हैं, और दोनों का मकसद एक ही है, अपने वोट बैंक को, अपने कोर वोटर को प्रभावित करना। तो देखते हैं कितना प्रभावित होता है उनका कोर वोटर, और क्या ये चुनाव जो है ये मजहबी पिच पर खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी समझदार है और निश्चित रूप से वोट देते समय वो अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करेगी। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा थी, आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट भेजिए, मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।